Images coming in from Sangrur in Punjab of pretty crazed violence taking place outside the residence of Bhagwat Mann, the chief minister. These are protests which have been taking place by farmers. There have been lathi charges by the police which have been taking place. There are several demands which have been made by these farmers which they say have not been met. That includes an increase in their daily wages, something to do with plot sizes as well. None of them, they say, have actually been dealt with at this stage. But that's the situation presently. Sanjeev Kaushik, a supporter of the Aam Aadmi Party, joins us. Mr. Kaushik, how would you respond to what is taking place right now? A fair amount of violence outside Chief Minister Bhagwat Mann's house. देखिए जनाब, अभी जिस तरह की भी कंडीशन है वो सारी बातें अभी क्लियर अभी हुई नहीं है किन परिस्थितियों में इस तरह की नौबत आई है और पुलिस को लाठी चार्ज करने की जरूरत पड़ी है। निश्चित तौर पर किसानों के साथ आम आदमी पार्टी है और तटस्थ रूप से खड़ी है। किसानों ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे एलिमेंट्स घुस जाते हैं जो किसानों के शक्ल में होते हैं और वो उपद्रवी होते हैं, वो चाहते हैं कि सिचुएशन खराब हो, तो चीजों से भी बचने की जरूरत है। अभी स्थितियाँ क्लियर होंगी, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी सक्षम है और जो बैड एलिमेंट्स है जो इस तरह से उपद्रव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। नहीं तो इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये किसान मजदूर संघ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं संगरूर में, उनको कहना है कि उनके जो डिमांड्स है उनको आम आदमी पार्टी सरकार ने नहीं माना है या तो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। वो वेजेस ज़्यादा चाहते हैं, एक प्लॉट साइज के बारे में भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इनके जो मुद्दे हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो निश्चित तौर पे जायज मुद्दे हैं और उनके मांग पे आम आदमी पार्टी सरकार निश्चित रूप से गंभीरतापूर्वक विचार करने की कोशिश करती है और करेगी भी, लेकिन मूल बात यह है कि कई बार इस तरह के प्रोटेस्ट को या कई बार उपद्रवी तत्व के इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि किस तरह से माहौल इतना ज्यादा खराब रुकेगा। वी आर आल्सो जॉइंड बाय अ गेस्ट फ्रॉम द बीजेपी। Sir, thank you very much for being with us. Can you give us your reaction to this violence now taking place? आप देखिए, जो झूठे वादे करके सरकार आती है, जब वो वादे इतने ज्यादा बड़े हाइप लेके करे जाते हैं मजदूरों को, ये मजदूर लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज, इनमें आम आदमी पार्टी को उपद्रवी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वादे जब करे थे इन्होंने वो इतने बड़े बड़े थे जो पूरे नहीं हो सकते। और बड़ी बात यह है कि ये भगवंत मान के घर के आगे खड़े हैं जहां से इनको किसी भी तरीके से कोई भी उपचार नहीं मिलने वाला। जाके इनको राघव चड्ढा के घर में जा, क्योंकि भगवंत मान डमी सीमेंट सीएम के तौर पे हैं आज, असली सीएम जो है वो राघव चड्ढा हैं, वो भगवंत मान जी सरकार नहीं चला पा रहे, इसीलिए इन्होंने राघव चड्ढा को वहां पे प्लेस किया। लेकिन राघव चड्ढा जी इन इश्यूज को छोड़ के नए झूठे वादे लेके दूसरी सरकारों दूसरी स्टेट्स में घूम रहे हैं। मजदूरों की आज पगड़ियां उतारी जा रही हैं, उन पे लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, और शर्म की बात है कि कौशिक जी आम आदमी पार्टी वाले इनको उपद्रवी का नाम दे रहे हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इन मजदूरों को आस दी गई थी, इनको एक लालच दिया गया था, झूठे वादों का लालच था इनके आगे कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। आप देखिए पंजाब गवर्नमेंट हर रोज नई, इन अभी तो औरतें खड़ी होने वाली हैं जिनको 1,000 रुपए का लालच दिया था, ये मजदूर खड़े हैं जिनको प्लॉट साइज कितने वादे किए हुए हैं जो जितने कभी सरकार पूरे नहीं कर सकती, ऐसे लालच दे दे के इन्होंने सरकार बनाई है। उसी का कारण है कि हर रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो रखा है पंजाब में। आप देखिए आतंकवाद की तरफ पंजाब बढ़ रहा है, हर तरीके से हर मुद्दे से पंजाब गवर्नमेंट घिर रही है। सीएम भगवंत मान को ये यूज कर रहे हैं गुजरात के लिए, पंजाब ये भूल चुके हैं, क्योंकि पंजाब को जितना यूज करना था ये यूज कर चुके हैं। मोर ओवर ये पंजाब को अभी वहां यूटिलाइज कर रहे हैं गुजरात में, के देखिए हमारा पंजाब कितना खुशहाल है। आज मैं हर गुजरात के और हर दिल्ली के मजदूर को ये दिखाना चाहता हूँ ये वीडियोस, जहां से उनको दिखेगा कि किस तरीके से ये लालच दे के आपको जो ये झूठे वादे करके आपको आपको ये आगे आते हैं उसके बाद ये दुर्दशा होती है।